रही है यहाँ पे इस समय, वो लाइटें देखिए ऊपर, खूबसूरत सी लाइटें, और यहाँ पे आए हैं और पिंकी भाभी की जो हॉस्पिटलिटी है वो एक नंबर है। आधे घंटे के द्वारा पूरा रिजर्व साफ करना पानी होता है, इसलिए आधे घंटे में आप लोग नहीं हटाएंगे इसे, पूरा हटाओ, एक्शन होगा। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी ना रात के 9:10 बाकी है, तो इस तरह की भीड़ हो रही है यहाँ पे इस समय, वो लाइटें देखिए ऊपर, खूबसूरत सी लाइटें, और यहाँ पे ना इस तरह का क्राउड चल रहा है अभी नैनीताल भोटिया मार्केट का। अच्छा रश हो रहा है, बट मैं क्या है ना दुकान बढ़ा रही हूँ, बाकी सारी दुकानें खुली है, बैटन लाइन भी पूरी खुली है, भोटिया मार्केट भी पूरी की पूरी दुकानें खुली हुई हैं। अभी मैं लगी हूँ क्लोज़ करने, क्योंकि मैं सुबह से बता रही हूँ, जैसे कि मैंने आप पिछले ब्लॉग में बताया ना घर में गेस्ट आए हुए, तो मैं आप लोगों को घर पर जाके अपने गेस्ट से मिलवाऊँगी। तो चलें क्लोज़ करते हैं दुकान और निकलते घर की तरफ। खतरनाक हवा चल पड़ी भाई, तेज़ हवा चल रही है बिल्कुल। ये देखिए आप इस इनको फड़फड़ाते हुए देख के पता चल जाएगा तेज़ वाली हवा चल रही, बहुत ही खतरनाक भयंकर वाली हवा। तो मैं बाइक मंगवा देती हूँ, बढ़ने वाली है दुकान तो मेरी, यार इतनी भीड़ हो रही है ना, बाई गॉड खतरनाक ही भीड़ हो रही, रात के भी 9:15 भी इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे। तो चले फिर मैं तो निकल ही जाती हूँ, थोड़ी सी रहती हूँ, बाइक मंगवा लेती हूँ अपनी, है ना। तो फ्रेंड्स रात के 9:15 भीड़ का कुछ आलम इस तरह का है। मैंने बाइक मंगवाई थी ना जो उधर मार्केट में, आई नहीं यार बाइक, मुझे जाना पड़ रहा है वहाँ पे, क्या कहते हैं उसको, स्टेट बैंक की तरफ। तो स्टेट बैंक में मिल जाती है काफ़ी सारी टैक्सी बाइक्स, तो मैं स्टेट बैंक की तरफ चल रही हूँ, और बहुत तेज़ हवा चल रही है, इतनी खतरनाक वाली हवा चलने लगी हुई है। तो चलिए मैं बाइक लेती हूँ और फिर वहीं से घर जाती हूँ, लेट हो गई हूँ मैं एक्चुअली। तो फ्रेंड्स वहाँ पे दौड़ते दौड़ते मैं पहुँच चुकी हूँ स्टेट बैंक की तरफ। तो देखती हूँ यहाँ से बाइक के लिए, बाइक है तो सही यहाँ पे खड़ी, कौन है फ्री है। और भाई चाटन लॉज जा रहे हो, चाटन लॉज जाओगे। तो फ्रेंड्स ये है मौनको चौराहा, यहाँ पे थोड़ा सा जाम लग ही जाता है अक्सर। तो मौनको चौराहे पे पहुँच चुकी, बाइक मुझे मिल चुकी थी, तो फ्रेंड्स मैं हाफते हाफते घर पहुँच चुकी हूँ। और दागर मेरी बच्ची किचन में लगी हुई है, क्या कर रही है? अच्छा, और ये तूने क्या किया? तो यहाँ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे हाय हेलो बाय। तो चलो मैं बाहर लेके चलती हूँ आप लोगों को गेस्ट की तरफ। तो मैंने बैग भी रखा, मैं बैग लेके सीधे ही ऐसे ही आ गई, और दरवाज़ा बजता हुआ, और यहाँ से जो खूबसूरत सा नज़ारा दिखता है ना, ये रात को कुछ इस तरह से दिख रहा है बिल्कुल धुंध धुंध के साथ। तो चले बाहर निकलते हैं। हाय, मैं ब्लॉग बनाते बनाते आ रही हूँ, ठीक है। ओए कहाँ है ये, ओए क्या हो गया, क्या हो गया? तो देखिए जिनसे मैं मिलवाना जा रही थी आप लोगों को, तो रजनीकांत भाई और शिखा जी, और इनको तो सभी जानते ही हैं शायद। लो बता फिर बोलते मुझे ऐसे मत डालो, फिर दिख तो ऐसे ही रहे हो, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, ऐसे दिख रहे हो अभी नहीं। सूरत से आए हैं और पिंकी भाभी की जो हॉस्पिटलिटी है वो एक नंबर है। वो सब बोलेंगे झूठ, अभी तो खुद बंदी आ रही है, सरासर झूठ है ना। तो चले मैं भी ज्वाइन करती हूँ आप लोगों को ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइम देख लो पहले, गुड आफ्टरनून हो चुका है, सॉरी। तो आज सुबह थोड़ा सा लेट उठे थे, तो नाश्ता वास्ते में कुछ भी शूट नहीं किया। नाश्ता हमने कल का जो मैंने बनाया था इतना सारा खाना, वही सब बचा कुचा वही सब खाया। तो अभी बना रही हूँ मैं लंच, लंच में पता क्या बना रही हूँ, कल हमने दाल भी भोजी ना रात को बनाने के लिए, वो नहीं बनाई हमने रात को, अब उसको फ्राई कर रही हूँ, रात को उबाल के रख दी थी, फ्राई नहीं कर रही थी वो, तो फिर अब फ्राई कर रही हूँ दाल को और चावल। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको, दाल की ग्रेवी मेरी तैयार हो चुकी है, तड़का यानी कि। तो ये रहा हमारी दाल का तड़का जो हो गया है तैयार, और ये है दाल, उड़द की दाल है, काली दाल जो थी, साबुत दाल, महादाल बोलते हैं लोग पहाड़ में, तो महादाल बन रही है आज, महादाल। तो चलिए खाना तैयार करते हैं, और चावल भी पका दिए मैंने, इसमें है चिली चिकन का, सिर्फ चिली बचा हुआ, चिकन ख़त्म है। तो चले कर लें खाना तैयार, फिर मिलते हैं इसके बाद दुकान में। हाँ जी गुड इवनिंग, शाम के बज चुके हैं 4:45 और मैं आई हूँ वॉक पे। आगे जा रहे हो? अच्छा मुझे लगा वहीं तक जा रहे हो। तो सामने से आ रही अनमोल की मम्मी, हम दोनों साथ ही आए थे मंदिर तक, मुझे लगा ना आप अंदर गए मंदिर में, तो मैं आ गई इधर को, नहीं गए अंदर। अच्छा तो इस तरह का हो रहा है इस समय ना यहाँ पे, काफ़ी सारी बोट्स वगैरह, तो अभी तक मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, सुबह के बाद मैं अब शूट करने लगी हूँ। ठंडी रोड पे आई हूँ मैं वॉक पे, जैसे कि रोज़ ही आती हूँ, अक्सर मेरा होता ही है इधर का दौरा। तो चलिए मैं अपनी वॉक कंटिन्यू करती हूँ, तो आगे देखिए अनमोल की मम्मी जा रही हैं, तो मिलेंगे हम आगे जाके। गुड इवनिंग एवरीवन, तो शाम के 5 बज चुके हैं और मैं वॉक से वापस आई, कॉफ़ी पी, उसके बाद मैं आ गई हूँ इधर मार्केट में। और भीड़ आप देख सकते हैं, आज वेडनेसडे है तो कुछ खास ज़्यादा भीड़ तो मुझे नहीं दिख रही है, मतलब उस साइड को काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, उधर को यहाँ पे फील्ड में नहीं है, उधर को ना ये देखिए यहाँ पे कितने सारे लोग दिख रहे हैं एक साथ ही, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है।
तो मौसम बड़ा अच्छा बना हुआ, बहुत ही मस्त मौसम है, सुहाना सा मौसम हो रहा है, बहुत ही मज़े का। तो चलिए मैं थक गई हूँ थोड़ा सा वॉक पे से आके ना, तुरंत फिर मैं यहाँ पे वीडियो बनाने लग गई हूँ। तो चलिए मैं चलती हूँ दुकान के अंदर को, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो फ्रेंड्स मौसम बड़ा मस्ताना और शाम के समय जो भीड़ उमड़ के आ रही है मार्केट में, तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी वाली भीड़ और मौसम बड़ा मस्ताना सा बना हुआ है। ऊपर काले काले से बादल आए हुए हैं, आज नहीं बारिश हुई, कल बारिश हुई थी, बट मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही मज़ेदार मौसम हो रहा है यहाँ पे अभी शाम के समय में ना। आप देख सकते हैं लोगों को अच्छा खासा मौसम हो रहा है, बढ़िया मस्त वाला। मज़ेदार मौसम और खूब सारी भीड़। अरे दीपक रावत जी जा रहे हैं सामने से, तो मुझे अचानक से दिख गए हैं यहाँ से, तो उनका कुछ वीडियो शीडियो बनता हुआ जा रहा है, तो बबली दीदी के साथ में जा रही है। तो कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी जाते हुए दिखे मुझे अचानक से, तो वो उधर से जा रहे हैं। तो ये देखिए कहाँ गए, ये रहे, तो बबली दी साथ में। तो इस तरह की भीड़ भाड़ हो रही है यहाँ पे, बोल रहे हैं यहाँ पे कुछ निरीक्षण किया जा रहा है। तो दीपक रावत जी सामने से, ऐसा तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ कौन अध्यक्ष है, सरकारी संपत्ति पे कौन काम कर सकता है? और क्या क्या काम कर दिया? अच्छा तो यहाँ पे जो खुदाई उदाई हुई है इसके, उसमें एक काम कर रहा है ये 7:15 बजे का क्राउड है अभी, बड़ा ही मस्त मौसम हो रहा है भाई। गुड इवनिंग एवरीवन। तो शाम के ना समय बज रहे हैं, 7:30 बजने वाले हैं, तो मैं निकल पड़ी हूँ घर की तरफ। तो यहाँ देखिए भीड़ भाड़ कुछ इस तरह की हो रही है आज। तो मैंने पिछले कल के शाम से स्टार्ट किया था ब्लॉग, तो आज कल के शाम तक, मतलब 13 की इवनिंग से स्टार्ट किया, तो 14 की इवनिंग तक मेरा चल रहा है ब्लॉग, तो इस तरह से हो रहा है। तो चलिए मैं चलती हूँ घर की तरफ, बाजार से थोड़ा सामान घूम लेते हुए धीरे धीरे घूमते फिरते मैं निकलती हूँ। रास्ते में मिलेंगे शायद, कोशिश करूँगी मिल जाए रास्ते में। ये लोग देखिए देखते नहीं है, लोग आज देखने लगे हैं लोग। नहीं, नहीं, मैं आते जाते बिजी रहता हूँ, आते जाते देखते ऐसे मुस्कुरा के जाते हैं, पूरा मत मानिएगा, थोड़ा बिजी रहता हूँ। तो चले मैं निकलती हूँ घर की तरफ, मिलेंगे फिर रस्ते वस्ते में। तो भाई खतरनाक काले काले से बादल बने हुए इस समय ना, ये देखिए ऊपर बहुत ही खतरनाक वाले बादल है। मैं पार्किंग से जब जा रही थी ऊपर ही देखा तो काले बादल, लगता अभी बरस जाएंगे। तो मैं तो भागती हूँ फटाफट घर की तरफ इससे पहले कि मैं भीगना भीगना स्टार्ट कर दूँ। तो देखिए इस तरह का हो रहा है इवनिंग व्यू पार्किंग से, तो यहाँ पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी हुई काफ़ी सारी। तो चलें चलते हैं, मेरा कैमरा शायद गंदा ही है फिर भी। तो देखिए इस समय रात के 7:30 बजे, ये फील्ड का नज़ारा, हल्का फुल्का सा जाम सा लगता हुआ वहाँ पार्किंग वाला जो रोड है और जो उस तरफ को जाती है रोड के, वहाँ से थोड़ा सा जाम लगना स्टार्ट हो चुका है, हल्का फुल्का, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, हल्का हल्का सा जाम लगने लगा है। तो ये मैं पहुँच चुकी हूँ
खड़ी मार्केट के एंट्रेंस में, और यहाँ पे ये बड़ा सा गुब्बारा, ये गुब्बारा मुझे अक्सर दिख जाता है यहाँ पे। तो ये देखिए खड़ी वाली मार्केट में जो भीड़ भाड़ कुछ इस तरह का है, भीड़ भाड़ का आलम तो सब तरफ ही भीड़ भाड़ है। शाम के समय तो आपको हर तरफ ही भीड़ भाड़ नजर आती है, जिस तरफ भी जाएं सभी तरफ भीड़ भाड़ नजर आती है। दिन के टाइम पे क्या होता है, लोग घूमने इधर उधर चले जाते हैं तो दिखते नहीं है बाजार में ज़्यादा, तो शाम को सब लोग आ जाते हैं घूम फिर के। तो फिर सांस फूल रही है, ऊपर से दिखाऊंगी अब। ऊपर आ गई टॉप पे, तो यहाँ से देखिए आप। तो फ्रेंड्स ये है बड़ा बाजार, तो इस साइड को आ गई हूँ इस कोने में। तो इस तरह से है ना, हमेशा मैं जाती हूँ यहाँ से ऊपर। यार पता नहीं ऐसा लग रहा है मैं किसी को फोकस नहीं कर रही, बस मैं ऐसे ही बना रही हूँ। तो यहाँ से ऊपर जाती हूँ, तो आज मैं जाऊँगी यहाँ से इस तरफ को, क्योंकि मुझको लेना है थोड़ा सा सामान। और यहाँ पे है ये बर्तन वाली गली, जो कि मैं आप लोगों को पिछले ब्लॉग में मैंने इसका वीडियो शूट किया बर्तन वाली गली का। तो हम लोग यहाँ पे मामू हलवाई है, बहुत पुरानी दुकान, अच्छी मिठाइयाँ मिलती हैं इनके यहाँ भी। तो हम लोग यहाँ से आगे को जाएंगे, और ये देखिए जो बना हुआ है यहाँ स्टेडियम काइंड ऑफ जो था वो खूबसूरत सा। तो मैं जा रही हूँ सुमित्रा, यहाँ पे रोड कच्ची बनी हुई है अभी, तो साइड से जाते हैं। तो ये हम पहुँच चुके हैं सुमित की शॉप पे। हाय, कैसे हो आप, बड़े दिनों बाद दिख रहे हो। आप दिल्ली गई थी इतनी गर्मी में, तभी तो गई इतनी गर्मी में दिल्ली में थे आप। हेलो सुमित, नमस्कार। अब क्या कर रहे हैं, पूछा ही नहीं। क्या हुआ, कुछ बोला आपने? कल बारिश का डाला था। अच्छा देखो मेरे व्यूअर है भैया, ये बहुत अच्छी वीडियो देखते हैं मेरे, माय गॉड। तो चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आई हूँ मैं सामान लेने के लिए। तो चलिए मैं सामान ऑर्डर कर लेती हूँ सुमित के यहाँ, फिर मिलते हैं रास्ते में जाते हुए। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो शाम के ना 8:30 बज चुके हैं, और मैं बाजार से सामान परचेज करते हुए घर पहुंच चुकी हूं। तो आज का जो ब्लॉग है इसको यहीं पे एंड करते हैं, और एडिट करते हैं वीडियो को और करते हैं अपलोड। तो चलिए कल को मिलेंगे फिर नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।